वो वीर शिरोमणि महाराजा लाखन पासी के नाम पे रखा गया है। अब पासी समाज के बड़े बड़े नेता जो सांसद विधायक मंत्री बन गए, और रजैया कमल में सोते रह गए, जगह जगह फोटो खिंचवाते रह गए, और बकायदा फीता काट करके बत्तीसी दिखाते रह गए। हम ज्यादा बोलेंगे तो उनको बुरा लग जाएगा, लेकिन पासी समाज के अधिकार की और पासी समाज की अगर भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा तो धनचूनिया सबसे आगे खड़े होंगे। देख लो भैया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके कह रहे थे कि अगर बीजेपी लखनऊ का नाम बदलती है तो इससे बकायदा पासी समाज और दलित समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। कैसे? कहे के लिए महाराजा लखन पासी के नाम पर ही भैया लखनऊ का नाम पड़ा। अब इनका यही कहना तनुशुनिया ने वीडियो वायरल किया है और अपनी बात रखी, कहा बीजेपी को माफी मांगना चाहिए। तनिक सुनो क्या बता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो लखनऊ का नाम बदल करके लक्ष्मण नगरी रखने का फैसला किया है या मुहिम छेड़ी है, वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि जो लखनऊ का इतिहास है, लखनऊ का जो नाम रखा गया है, वो वीर शिरोमणि महाराजा लाखन पासी के नाम पर रखा गया है। और उन्होंने जिस प्रकार से पूरी वीरता से गाजी की सेना से लड़ाई करी और वीरगति को प्राप्त हुए, उनकी शहादत जो हुई, देश के नाम उन्होंने अपना खून जो बहाया है, ये उस पे कलंक लगाने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। अब तनुशुनिया की बात है सुने भैया आपने, अभी आ गया और सुनाएंगे। लेकिन भैया आपको ये भी बताना बहुत जरूरी है कि बगदा मांग उठा कौन रहा है। देखो ये बीजेपी के सांसद है, इनका नाम संगम लाल गुप्ता है। यही बहुत है भैया, फुदक फुदक करके उछलते हैं। जहां कोई कार्यक्रम होता है बस ही लखनऊ की बात घुसेड़ देते हैं कि देखो भैया ऐसा है, लखनऊ का नाम बदल करके लक्ष्मणपुर या लखनपुर कर देना चाहिए। इन्होंने भैया बाकायदा पत्र भी लिखकर भेजा और तर्क दिया भगवान श्री राम ने भैया लक्ष्मण जी को लखनऊ सौंपा था, इसीलिए उसका नाम बदल दिया जाए। इनका बस चले भैया तो दुनिया भर का बदले फिरा करें, इनके पास कोई काम नहीं बचा, सबको पत्र लिखा करेंगे और नाम बदलने की बात रखेंगे। फिलहाल इन्हीं पर भैया कांग्रेस के नेता तनुशुनिया भड़के हैं और इनका कहना कि देखो ये जो है पासी समाज और दलित समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बीजेपी काम कर रही है, अगर नाम बदलेगी तो बहुत लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है और शहीदों का भी अपमान कर रही है। तनिक सुनो, ये इनका जो ये मुहिम है, इससे ना तो सिर्फ पासी समाज और दलित समाज बल्कि सारे वीर जो शहादत प्राप्त हुए हैं, जो इस देश के लिए कुर्बान हुए हैं, ये उनके नाम पे कलंक है। भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए पूरे समाज से, वीर शहीदों से, और विशेष रूप से पासी समाज और दलित समाज के लोगों से जो ये मुहिम छेड़ करके उनको अपमानित करने का काम उन्होंने किया है। हर तनुशुनिया की बातों पर भाजपा को बहुत ध्यान देना चाहिए और भैया सोचना और विचारना भी चाहिए कि जरसो गलती भाई तो बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, पासी समाज नाराज हो सकता है। और पासी समाज से आने वाले उन सांसद विधायकों से भी हम कहना चाहेंगे, मंत्री नेताओं से भी कहना चाहेंगे कि देखो भैया पासी समाज की जब भी बात आए तो तनिक आगे दिखा करो, उनके नाम पर वोट मांगते हो तो कम से कम भैया जब ऐसा वक्त आए तो आगे दिखिए, सोते रहते हो रजिया कमल में और फोटो खिंचा करके बत्तीसी दिखाया करते हो, बाकी तो आप समझदार हो। फिलहाल लखनऊ का नाम बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो शेखना कदम बदलेगा शम्मा शादी को पसंद मिलेगी दबा दीजिए, वीडियो वायरल होती है हमने कहा आपको सुनाते और आपके क्या विचार है कमेंट जरूर करना।